हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर एक नई वीडियो लेकर आए हैं जो आजमगढ़ एयरपोर्ट से रिलेटेड है। जो हमें एक नई जानकारी मिली है आजमगढ़ एयरपोर्ट से रिलेटेड, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ये जानकारी आप लोगों को भी दे दें। जो हमें नई जानकारी मिली है, तो अब हम आप लोगों को भी ये जानकारी बताने जा रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, और जो जो लोग हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। आजमगढ़ वासियों के लिए खुशखबरी। जो लोग तकरीबन 100 दिनों से आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को लेकर धरना दे रहे थे, उन लोगों के लिए अब इस सरकार ने एक खुशखबरी दी है कि फिलहाल जमीन न मिलने के कारण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं बन पाएगा, जिसको बताया है AK मिश्रा, ADM प्रशासन आजमगढ़ के। उन्होंने बताया कि अब आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनने की संभावना कम जताई जा रही है, क्योंकि अभी किसानों ने अपनी जमीन देने से मना कर दिया है। इसीलिए सरकार ने भी आजमगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी रोक लगा दी है। ADM प्रशासन ने बताया कि किसानों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट के लिए जमीन न देने के कारण फिलहाल अभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विस्तारीकरण नहीं होगा। कहा कि किसानों से वार्ता हुई, लेकिन किसान अपनी जमीन देने से तैयार नहीं है, इसलिए अभी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का विस्तारीकरण नहीं हो पाएगा। करीब एक वर्ष से एयरपोर्ट के शुभारंभ का इंतजार कर रहे जनपदवासियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार द्वारा हरी झंडी मिलने के बाद एयरपोर्ट के उद्घाटन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। संभावना जताई जा रही है कि मार्च में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसका शुभारंभ कर सकते हैं। DM प्रशासन अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि नागर विमानन महानिदेशालय ने एयरपोर्ट संचालन के लिए एम्बुलेंस, पुलिस बल और फायर ब्रिगेड की जो आवश्यकताएँ बताई हैं वह लगभग पूरी कर ली गई हैं। MD DGCA के निरीक्षण के उपरांत लाइसेंस मिल जाएगा, और उसके बाद अगले महीने से एयरपोर्ट का शुभारंभ संभव है। उन्होंने बताया कि नागर विमानन मंत्रालय के निर्देशानुसार एयरपोर्ट के 10 किलोमीटर की परिधि में मीट मछली की बिक्री पर रोक लगाई गई है, क्योंकि मांस मछली की बिक्री के कारण पक्षियों के एकत्र होने की संभावना होती है, जो विमान के दुर्घटना का कारण बनते रहते हैं। बताया कि द एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के नियम 91 के अंतर्गत हवाई अड्डे के ARP से 10 किलोमीटर के दायरे में आसपास पशुओं के वध और उन्हें भगाने, कूड़ा करकट और अन्य प्रदूषित या आपत्तिजनक पदार्थ जमा करना निषेध है। उन्होंने नियम 91 के बारे में बताया कि ARP से 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी व्यक्ति किसी भी जानवर का वध या हत्या नहीं करेगा, या कोई कचरा, गंदी या कोई अन्य प्रदूषित या अप्रिय पदार्थ जमा करके गिराएगा नहीं। DM ने यह भी बताया कि 20 किलोमीटर की परिधि में किसी भूमि का निर्धारित ऊंचाई क्लियरेंस के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना किसी संरचना के निर्माण को प्रतिबंधित किया गया है। इस निर्णय के बाद शासन के निर्देश पर प्रशासन की ओर से किसानों की जमीन का सर्वे किया गया। जमीन का सर्वे शुरू होते ही किसानों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी जमीन इस सर्वे के बाद बहुत ही ज़्यादा जमीन जा रही थी, जो उन लोगों की उपजाऊ जमीन थी यहाँ के किसानों की, वो एयरपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा जमीन जा रही थी। इसीलिए किसानों ने अपना विरोध करना शुरू कर दिया, और किसान अपनी ज़मीन को बचाने के लिए लगभग 2 माह से खेरियाबाग में अनवरत धरना दे रहे थे। किसानों के इस धरने को सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे, मेधा पाठेकर, राकेश टिकैत जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं और किसान नेता अपना समर्थन दे चुके हैं, जिसके कारण मंदुरी एयरपोर्ट का विस्तारीकरण फिलहाल में रुका हुआ है। वहीं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत चयनित इस एयरपोर्ट से उड़ान भी शुरू जल्द ही होने वाली है। अजय ने बताया कि रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत जो उड़ान शुरू हो रही है, अगर उसे महानगरों से नहीं जोड़ा जाए तो इसका कुछ फायदा नहीं मिलने वाला है। सिर्फ लखनऊ तक यहां से सफ़र करने में सड़क मार्ग से भी ज़्यादा समय लगेगा। SK सत्यन ने कहा कि सरकार को चाहिए कि महानगरों को यहां से उड़ान शुरू करे, ताकि अगर देश को कोई भी देश जाना चाहे तो यहाँ से दूसरे एयरपोर्ट पहुँचकर वहाँ से दूसरे विदेशों को यात्रा कर सकेंगे, और जल्द से जल्द यहाँ से यात्रा की शुरुआत भी होने वाली है। तो दोस्तों, हमें जो जानकारी मिली थी, हमने आप लोगों को जानकारी बताई। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी।
तो प्लीज़ जो जो लोग चैनल पर जुड़े हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। तो चलिए अब हम वीडियो को यहीं तक रखते हैं, तो अब हम चलते हैं। जय हिंद दोस्तों।